दोस्तों, जो अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और साथ ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आर्टिलरी सेंटर ने पूरे भारत के युवाओं के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। इसलिए जो अगर आप इस सेना भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिन पोस्ट के लिए भर्ती होनी है उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, बूट मेकर, लोअर डिवीजन क्लर्क और वॉचमैन आदि जैसे पद शामिल हैं, जिन पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही कुछ पदों के लिए 1 साल तक का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। दोस्तों, इस भर्ती में पूरे भारत से युवा अपना आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की सीमा 25 वर्ष रखी गई है। लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी और इसमें उम्मीदवारों का चयन सीधे लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न शामिल होंगे। और चयन किए गए उम्मीदवारों का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 4 के तहत 18,000 से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह तक रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सेना भर्ती को आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद द्वारा ग्रुप C&D डिफेंस सिविलियन पोस्ट्स के अंतर्गत कुल 8 पदों पर निकाला गया है, जिसमें आवेदन के लिए आपको विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरकर पोस्ट द्वारा द कमांडेंट आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के पते पर भेजना होगा। इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और यह 22 अप्रैल तक चलेगी। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को भी देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।